जी वेलकम बैक। हम यहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। तो हमने जो पहले इस प्रोग्राम का पार्ट देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम प्रिंट एलन की स्टेटमेंट के अंदर ही एक एवेल्यूएशन करवा रहे थे। यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू यहीं पे एवेल्यूएट हो रही थी और यहीं पे प्रिंट हो रही थी, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रही थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा फ़र्क ला रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या दोनों वेज हैं, कि आप रन टाइम पे एवेल्यूएशन भी करवा सकते हैं और आप चाहें तो उस एवेल्यूएशन को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं और देन फिर उस वेरिएबल को आगे यूज़ कर लें, ठीक है। तो हम दूसरे वे ऑफ पे जा रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे चार वेरिएबल बनाए, सम जिसके अंदर हमने वैल्यू का स्टोर की, नम वन प्लस नम टू का जो भी रिजल्ट आया वो हमने सम में स्टोर कर लिया, नम वन माइनस नम टू का जो भी रिजल्ट आया उसको हमने एस यू बी नाम सब्ट्रैक्ट एस यू बी के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन हमने मल्टीप्लाई किया और इसको एम यू एल में स्टोर कर लिया। देन नम वन डिवाइडेड बाय नम टू किया और जो भी रिजल्ट आया उसको हमने डेव में स्टोर कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ रह गई हमारी, वो है मॉडुलस। तुमने मॉड नाम का एक वेरिएबल बनाया लेकिन मॉड नाम ही हमें लेने नहीं दे रहा, तो हम इसको एम डी कर देते हैं, एम डी डी कर देते हैं और इसके अंदर हमने मॉडुलस का सिंबल दे दिया, ठीक है। अब हम ये जो पांच वेरिएबल्स हैं ना इनके अंदर वैल्यूएशन करवा के हम ऑलरेडी वैल्यूज कैलकुलेट करवा के स्टोर करवा चुके हैं, तो हम सिंपल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के आगे एस यू बी दे देंगे। ये एस यू बी उस वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन करवा के उसका रिजल्ट स्टोर करवाया था। फिर हम मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी हम मल्टीप्लीकेशन करवा चुके हैं और वो करवाने के बाद हमने उसको एम यू एल नाम के वेरिएबल में यहाँ स्टोर किया था। ये देखें तो हमने अब मल्टीप्लीकेशन वाली लाइन में यहाँ पे एम यू एल नाम का वेरिएबल प्रिंट करवा दिया, सही है। और इसी तरह डिवाइड वाले केस में हमने डी आई वी नाम का वेरिएबल दे दिया जिसके अंदर हमने डिवीजन स्टोर की हुई है, और रिमाइंडर के केस में हम एम डी डी नाम का वेरिएबल हमने बनाया था वो प्रिंट करवा लेते हैं। तो जनाब ये है हमारा कंप्लीट प्रोग्राम आपके सामने, जिसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, ठीक है, उनको वैल्यू साइन हो रही है 20 और 10। देन फिर हम सम करवा रहे हैं और यानी कि सम कराने से मुराद ये कि एडिशन करवा रहे हैं दोनों नंबर्स की, और उसका जो आंसर है वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। देन फिर सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं और उसका रिजल्ट सब नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दोनों नंबर्स को और देन उसको एम यू एल नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। देन डिवीजन करवा रहे हैं और देन मॉडुलस ले रहे हैं यानी कि रिमाइंडर ले रहे हैं, और देन फिर हम उन पांचों वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका कार होता है कि अगर आपने कैलकुलेशन करवानी हो तो कैसे करवाएंगे, वो एक तरीका हमने इस वाले एरिया में देख लिया कि हमने वो कैलकुलेशन करवाई और उस कैलकुलेशन को मुख्तलिफ वेरिएबल्स में सेव करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वाली प्रैक्टिस हो गई, और फिर हमने उन वैल्यूज को यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो वो हमने कैसे करवाना है वो वाली चीज हमने देख ली, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने अभी ये काम जो है एक नए तरीके से, यानी कि पहले हमने वहीं पे प्रिंट करवा के उसको एग्जीक्यूट करवा के देख लिया था, अब हम इस वाले तरीके से जो हमने प्रोग्राम बनाया इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने टर्मिनल की विंडो में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने वो पुराना कोड रन हुआ है, इसको हम क्लियर करते हैं और अब हम दोबारा से इसको चलाते हैं। तो देखें अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे उस नए वाले प्रोग्राम से आ रही हैं जिसके अंदर हमने पहले कैलकुलेशन अलग जगह करवाई है और उसका जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स में स्टोर करवाया, और देन उन वेरिएबल्स को फिर प्रिंट एलन के अंदर प्रिंट करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पहुँच के हमने क्या कर लिया कि हमने मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स से हमारे उनको हमने कैलकुलेट करवाना सीखा यूजिंग न्यूमेरिक ऑपरेटर। एक्चुअली जो हमारी स्लाइड का जो मेन थीम था वो था न्यूमेरिक ऑपरेटर्स,
वापस जाके अपनी स्लाइड देखते हैं। तो जनाब ये देखिए, हमने ये जो न्यूमेरिक ऑपरेटर्स हैं इनको आज कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं कि अभी हम लेते हैं रेस्ट, यानी कि जो आज का सेशन है इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और अभी हम स्लो स्लो चलेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे कंसेप्ट्स, जिन लोगों को तो क्लियर हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो माशाल्लाह काफ़ी ग्रिप है जिनकी प्रोग्रामिंग के ऊपर, और वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से पिक कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंप्यूटर से ज़्यादा उनकी ना अवेयरनेस नहीं है, उनको शायद फर्स्ट ये उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उनको ये सारे जो कंसेप्ट हैं उनको हजम करने में, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मतलब मुश्किल पेश आ रही है। तो उन सब के लिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर जाके एक रिव्यू सेशन मतलब ये कंडक्ट कर रहे हैं। और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ एक बार फिर दोबारा से कि इसका PIAIC से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक हमारी एक अनऑफिशियल एक काउश है, एक कोशिश है कि वो हमारे साथी जो थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, जो ग्रिप नहीं कर पा रहे कंसेप्ट्स के ऊपर किसी भी वजह से, उनको हम उसी लेवल पे ले आए जिस लेवल पे वो लोग हैं जो ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। और टारगेट हमारा यही है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम सब ने मिलकर इकट्ठे पास आउट होना है। हमारा कोई भी साथी, हमारा कोई भी दोस्त पीछे ना रहने पाए, ठीक है। हम सब के सब लोग इस प्रोग्राम को कंप्लीट करें और सक्सेसफुली कंप्लीट करें। तो ये हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे इसलिए जाके सब चीज़ों को डिस्कस करें। तो यहाँ पे हम लेंगे आज के सेशन की ब्रेक, और कल इंशाल्लाह हम जो है ना इसकी वो जो कंपाउंड टाइप्स हैं, स्केलर और टुपल, सॉरी कंपाउंड टाइप हैं ट्यूपल और एरे, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की सेशन के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें, या माउस से क्लिक करें, या अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो वैसे टच करें उसको। तो आपके सामने ना नीचे स्क्रीन के नीचे या जहाँ भी आपका वो कंट्रोल्स हैं वहाँ पे इस मीटिंग के कंट्रोल्स खुल जाएंगे। उन कंट्रोल में जो सबसे पहला बटन होता है वो ऑडियो, उसके नीचे लिखा हुआ होता है और उस पर क्रॉस लगा होता है, एक माइक बना होता है, उस पर आप एक बार क्लिक करें तो आपकी आवाज़ हम सबको आना शुरू हो जाएगी, और तब आप जो भी बोलेंगे वो हम सबको सुनाई देगा, और जाहिर है वो क्वेश्चन होना चाहिए, तो फिर मैं उसका आंसर कर सकूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मैंने ये पूछना था कि डेटा टाइप्स लेना मस्ट होती है, यानी कि जिस तरह आपने इस वाले प्रोग्राम में किया कि I32 लिया, या इस तरह, तो ये डेटा टाइप लेना मस्ट होती है डिक्लेयर कराना कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप यूँ करें कि अब अपना ना माइक ऑफ कर दें, वापस उस पर क्लिक करें तो माइक ऑफ हो जाएगा, वरना फिर ये होगा कि मेरी आवाज़ दोबारा से बाउंड होके रिवर्स होके फिर वापस आ सकती है। तो बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा इसी तरह से है कि डेटा टाइप देना रस्ट में मस्ट होता है। रस्ट के लिए लाजमी है कि वो जब भी प्रोग्राम चलाए तो एट कंपाइल टाइम, यानी कि जिस वक्त आप प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल कर रहे होते हैं, उस वक्त रस्ट को डेटा टाइप का पता होना शदीद ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन होता यह है कि अगर आप देना भूल जाएं, या जिस तरह शुरू में हमने नहीं दी थी, या अभी भी हम जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम डेटा टाइप नहीं देते, तो रस्ट में हमारी आसानी के लिए या वो लोग जो नए होते हैं उनकी आसानी के लिए रस्ट ये करता है कि उसने अपने तौर पे ना कुछ डिफॉल्ट टाइप्स सेट की हुई हैं। तो रस्ट क्या करता है कि अगर तो आपने कोड में लिखा है, जैसे मैंने I32 लिखा हुआ था, तो उसने I32 टाइप का वेरिएबल बना देना। लेकिन अगर आपने, अगर मैं उसकी जगह I8 लिख देता तो उसने I8 साइज का वेरिएबल बना देना था, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा या आप लिखना भूल गए हैं, तो रस्ट का कंपाइलर क्या करता है कि वो जाके आपका जो आप वैल्यू उस वेरिएबल में डाल रहे होते हैं ना, उस वैल्यू को चेक करता है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, और फिर उस टाइप की उसने कुछ डिफॉल्ट सोची हुई होती है या उसके अंदर मेंशन होती है रस्ट के कंपाइलर में कि अगर इस टाइप का डाटा होना तो आप डिफॉल्ट में ये वाली डाटा टाइप खुद से डाल दो। तो होता ये है कि जब आप उसको इंटीजर टाइप का कोई डाटा देंगे ना, जब भी देंगे, तो अगर आपने खुद से टाइप मेंशन कर दी तो वो वाली टाइप रख देगा उसकी, लेकिन अगर आपने खुद से टाइप मेंशन नहीं की तो इंटीजर डाटा के केस में वो I32 टाइप का वेरिएबल बना देगा उसको, ठीक है। रस्ट के कंपाइलर में लिखा हुआ है कि अगर
डेटा जो दे रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है और यूजर ने टाइप मेंशन नहीं की खुद से, तो आप I32 टाइप का वेरिएबल बना दो। अगर आप फ्लोट दे रहे होते हैं, यानी कि फ्लोट टाइप का बना रहे हैं, तो उसकी शायद डिफॉल्ट टाइप जो है वो F32 है या F64 है, मेरे ख्याल में F64 है, मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ। तो वो अगर आपने डेटा टाइप दी तो वेरी वेल, लेकिन अगर आपने नहीं दी ना टाइप, तो जो रस्ट की कंपाइलर में डिफॉल्ट टाइप मेंशन हुई भी है ना, वो डिफॉल्ट टाइप सेट कर देता है कंपाइलर ऑटोमेटिकली, ताकि वो जो उसकी शर्त है कंपाइलर की कि जो डेटा टाइप्स हैं वो कंपाइल टाइम पे नोन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो शर्त भी पूरी हो जाती है। और अगर यूजर ने नहीं दी तो फिर वो जो डिफॉल्ट टाइप सेट हुई है ना, वो डेटा को देखते हुए उसके मुताबिक एक्शन कर देता है कि अगर आपने कोई इंटीजर टाइप का डेटा दिया हुआ है तो वो फिर इंटीजर टाइप रख लेगा, I32 टाइप रख लेगा जो कि उसकी डिफॉल्ट है, और अगर आपने फ्लोट टाइप का दिया हुआ है तो वो मैं आपको भी कंफर्म करके बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? हाँ जी, थैंक यू सो मच वेलकम। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो जो आपने बताया ना करेक्टर की जो टाइप है उसमें हम कोई भी किसी भी लैंग्वेज में हम उसे यूज कर सकते हैं, हम कोई भी डेटा उसमें डाल सकते हैं। सपोज अगर हमने करेक्टर की टाइप में उर्दू का कोई वर्ड टाइप करना हो तो हमें उसके लिए उर्दू में ही वो टाइप करना होगा या हम वो कुछ भी डेटा उसमें डाल सकते हैं जो करेक्टर की टाइप है, मुझे उसका जरा क्लियर कर दें। बिल्कुल ठीक है, आप अपना माइक काइंडली ऑफ कर लें। अच्छा, पहले मैं आपका जवाब दे दूं, वो जो पिछले वाले चीज का था कि जो फ्लोट टाइप की अगर आप वैल्यू दे रहे होंगे और आपने मेंशन नहीं किया, तो ऐसी सूरत में F64 टाइप डिफॉल्ट में वो डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने फ्लोट टाइप की वैल्यू दी और आपने टाइप मेंशन नहीं की तो वो F64 टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, F64 मुझे नहीं चाहिए, मुझे F32 टाइप का वेरिएबल चाहिए, छोटे साइज का चाहिए, कम प्रिसिशन वाला चाहिए, तो ऐसी सूरत में फिर आपको खुद से वो वेरिएबल नेम आगे कॉलन लगा के F32 देना पड़ेगा, तो फिर वो F32 टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर होगा। ओके, ये तो पिछले सवाल का वो वाला जवाब था कि डिफॉल्ट टाइप्स वाला। अब आगे बात कैरेक्टर की, तो जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपको ऐसी सूरत हाल में कि जब आपने किसी और लैंग्वेज का कोई डाटा लाइक उर्दू का डालना है, तो आपको फिर वो उर्दू में ही टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी हम मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई एग्जांपल अभी करके दे दूँ। अनफॉर्चुनेटली ये लिनक्स में हूँ और लिनक्स में इस वक्त मेरे पास वो नहीं आ रही, कीबोर्ड जो है ना दूसरा वाला इंस्टॉल नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं से भी उर्दू का एक करेक्टर पकड़ लूँ और उसको हम लाकर अपने प्रोग्राम में डालें। तो आप मुझे जस्ट थोड़ा सा टाइम दें तो मैं भी आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने जिस टाइप का वो डेटा देना होगा, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उर्दू का कोई डेटा देना है, तो वो फिर आपको उर्दू का वो करेक्टर वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और चूंकि करेक्टर टाइप है तो वो आपको सिंगल कोट में देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई, मैं वो पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करूंगा कि जब हम एम्बेडेड सिस्टम के वो करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही छोटे उसमें चाहिए होता है, मेमोरी में उसकी मेमोरी बहुत कम होती है, तो इसलिए हम वो U32 U8 I8 जिस अपने हिसाब से वो फिर लेते हैं के वैल्यूज के हिसाब से। लेकिन पता क्या होता है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 4 GB रैम है ना, तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मतलब हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है ना, उसी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा आपका जो मेमोरी का प्रोग्राम का फुटप्रिंट है, मेमोरी फुटप्रिंट क्या होता है, मैं ज़रा सादी अल्फाज में मतलब उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं, उनके लिए एक्सप्लेन कर दूँ कि देखें, अब मैं कंप्यूटर में हूँ ना, तो मेरे पास 2 GB 4 GB 8 GB रैम होगी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं उसमें मैं सपोज मुझे डेटा जो स्टोर करना है वो एज का स्टोर करना है, तो एज किसी बंदे की मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 200 तक जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि यार अच्छा, इसके लिए मैं I8 या I16 साइज का वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ। ठीक है, तो
अब बिल्कुल ही जो आप बात कह रहे हैं कि अगर हम तो एम्बेडेड डिवाइस के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हो, तब तो ये है कि उसके अंदर रैम बहुत ही थोड़ी होती है, लाइक 256 KB होगी, तो वहाँ पे तो चलो मैं ये छोटा वेरिएबल बनाऊँ, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर पे चला रहा हूँ तो मुझे क्या परवाह है, मेरे पास 4 GB रैम पड़ी है, उसमें से अगर वो 4 बाइट एक्स्ट्रा भी ले जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कहाँ 4 GB और कहाँ 4 बाइट। लेकिन आप ये देखिए कि उसकी वजह से प्रोग्राम की एफिशिएंसी जो है ना वो डिस्टर्ब होगी, कि आपने एक मेमोरी में बाइट को एक्सेस करना है तो वो थोड़ा टाइम लेगा, अगर आपने 4 बाइट को एक्सेस करना है तो वो निस्बतन ज्यादा टाइम लेगा, ऑल्दो तो वो बिल्कुल नैनो सेकंड में टाइम होगा, लेकिन स्टिल अगर फॉर एग्जाम्पल 1 बाइट को एक्सेस करने में रैम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, अगर 1 नैनो सेकेंड लगता है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 बाइट से पूरी हो सकती थी और आपने 1 ही बाइट के साइज का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो आपका 1 नैनो सेकेंड में वो प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट 1 से पूरी हो सकती थी, लेकिन आपने I32 टाइप एंड डिफॉल्ट टाइप का वो दे दिया, तो अब आपका प्रोग्राम 4 सेकेंड बाद वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम की एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन हो गई, ठीक है। तो जहाँ पे तो आपको जरूरत थी कि आपने कोई बड़ी वैल्यू देनी है, वहां तो चले आप ठीक है 4 सेकेंड लगवाएं प्रोग्राम से, लेकिन जहाँ आपका काम छोटे साइज से हो सकता था, वैल्यू छोटे साइज में I8 में स्टोर हो सकती थी, और वहां आपने ख्वाम ख्वाह में अगर वहां I32 डिफॉल्ट वाला डलवा दिया, तो फिर आपने अपने वो 3 एक्स्ट्रा सेकेंड जाया कर दिए प्रोग्राम की रनिंग के टाइम में ना, ठीक है। तो इस हवाले से मतलब बेहतर मतलब प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस ये होती है कि आप कोशिश यही करें कि आप उसको जो आपका साइज है ना वही दे दें, तो उससे फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम आपको यानी कि आसानी होगी, कि जब आप एम्बेडेड डिवाइसेस पे जाएंगे ना, तो आपका वो कहते हैं ना जिसका हाथ खुला खर्च करने का आदी हो, वो फिर जरा कंजूसी से खर्च करने में उसको बड़ी मुश्किल पेश आती है, तकलीफ होती है। तो अगर आप शुरू में खुली रैम यूज कर रहे हैं और बाद में फिर आप आके अपने अंदर ये जब आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो एट दैट टाइम अगर आप फिर हाथ थोड़ा तंग करने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा सा आदत नहीं होगी, तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मिनट अब अगला सवाल लेने से पहले, अच्छा आप पहले बताएं आपका सवाल का जवाब क्लियर हुआ, या कोई और कमेंट आप देना चाहें प्यारे भाई? नहीं, फैसल भाई, मैं तो ऐसे ही उस सवाल को थोड़ा आगे एलेबोरेट करना चाह जी जी रहा बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा इससे पहले वो जो उन्होंने सवाल किया था वो उर्दू लैंग्वेज का कोई हम करेक्टर देना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार होगा, तो जी बिल्कुल उसका मैं आपको तरीका अभी दिखा देता हूँ लाइव, ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से एक उर्दू का करेक्टर पैदा कर लिया, तो हम उसी प्रोग्राम में वापस आ रहे हैं, वो जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला था, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपने नजर डालनी है वो इन 2 लाइंस पे डालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम का, उसकी टाइप रखी करेक्टर, और उसके अंदर ये देखें उर्दू का लेटर करेक्टर दे दिया शीन, ठीक है। तो ये फिर मैंने इसमें शीन ही लिखा ना, मतलब जाहिर है मैंने वो उर्दू का जो करेक्टर है वो एज इट इज लिख दिया, और देन फिर मैंने इस ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा के देखा कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। इसी तरह ये शीन प्रिंट करता है या क्या हमें जवाब में देता है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करके हम चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो में। तो ये आ गई हमारे पास टर्मिनल विंडो, यहाँ हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल शुरू में उसने एडिशन से पहले यहाँ पे ये देखें उसने शीन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो करेक्टर के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज का कोई करेक्टर देंगे और उसी लैंग्वेज में देंगे तो वो उसको जरूर प्रिंट करेगा, ये वो जो पिछला सवाल था ये उसका जवाब है, ठीक हो गया जी, क्लियर है? जी, ये क्लियर हो गया, थैंक यू। वेलकम। कोई और सवाल? फैसल भाई, वो 1 सेकंड टेबल जो है इनके शो करवा दे स्क्रीन पे। कौन सी टेबल? डेटा टाइप्स के टेबल जो है, डेटा टाइप इंटीजर वाली की टेबल? इंटीजर हाँ जी बिल्कुल भाई। में बने हुए? अच्छा जी, यही टेबल कह रहे थे आप?
हाँ जी बिल्कुल यही है। तो ये सिर्फ देखने आपने या यहाँ कोई क्वेश्चन भी करना है? नहीं बस मुझे देखने थे। ठीक है थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो सारे स्लाइड्स हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सारी जो कंटेंट्स हैं, ये सारे के सारे ऑफिशियल स्लाइड जो हमारे पोर्टल में दी गई है ना, पोर्टल में अगर आप खोलें और उसमें वो जाएं, जो लेक्चर के वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो बुक वगैरह भी दी हुई है, वहीं पे ना ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली वहाँ पे अवेलेबल है। इनकी सिर्फ शक्ल सूरत थोड़ी सी चेंज इसलिए नज़र आ रही है कि वो ज़रा ब्लैक एंड ग्रीन टाइप की स्लाइड्स थी, और इनको मैंने सिर्फ थोड़ा सा रंगीन कर दिया अपनी रंगीन मिजाजी की आदत की वजह से। तो बाकी कंटेंट 100% वही है। तो आप ये जो टेबल जिस आप कह रहे हैं, और ये बुक में भी दिया हुआ है, तो अगर आप बुक पढ़ लें तो वहां से भी आपको टेबल, जब इंटीजर टाइप वाला जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये टेबल एज इट इज उस तरह इंटीजर टाइप वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डेटा टाइप्स के अंदर। और अगर आप सर वाली स्लाइड्स देखेंगे जो मतलब वहाँ पोर्टल में दी हुई है, कंप्लीट स्लाइड है, कोई 500-600 के करीब, पाँच हाँ तकरीबन 550 के करीब स्लाइड्स हैं कि इनके उस फाइल के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी की सारी एज इट इज यही चीजें, मैंने डाटा में बिल्कुल भी चेंज नहीं की। तो जी अगर कोई मजीद क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम खुदा हाफिज कहते हैं और सेशन पॉइंट करते हैं, और कल इंशाल्लाह फिर इसी टाइम पे 9:30 बजे कोशिश करेंगे कि हम जो हमारी कंपाउंड टाइप है, ट्यूपल और एरे जो हैं, उनको फिर कल हम इसी तरह से रिव्यू करेंगे प्रैक्टिकली। तो कोई और क्वेश्चन है या हम कंप्लीट करें इस सेशन को? चलिए, आई थिंक सो नहीं है क्वेश्चन, सो हम ये आज वाला सेशन नंबर 9 जो है इसको एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।